दरअसल तीन राज्यों में बीजेपी की हार के बाद सहयोगी दल इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि कैसे दबाव बनाकर 2019 की सीट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ली जाए। बिल्कुल। और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी इसी बात पर एनडीए छोड़ चुकी है। पासवान की एलजेपी सीट शेयरिंग में सफल हो चुकी है। वहीं शिवसेना की भी बात कर लें तो वहां भी तेवर कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में 2019 के चुनाव को लेकर योग गुरु रामदेव के बयान ने चौंका दिया है। तमिलनाडु के मदुरई में योग गुरु बाबा रामदेव 2019 के एक सवाल पर बदले से नजर आए। रामदेव ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री कौन होगा कहा नहीं जा सकता, लड़ाई रोमांचक होगी। रामदेव अभी तक ठप्पे से पीएम मोदी की पैरवी करते रहे हैं, लेकिन 2019 में रामदेव खुद किस पाले में होंगे इस पर उन्होंने खुद को निर्दलीय सर्वदलीय कहकर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने इंग्लिश में दिया है, पॉलिटिकल सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, वी कैन नॉट से हु विल the next prime minister or who will be the lead the country, but the situation is very interesting, the fighting situation in politics now, and now I'm not focusing on politics, personal vision in politics now, Sarvadali and Nirdali. So I'm no time supporting any person and not opposing any party. तो क्या योग गुरु बाबा रामदेव को भी ऐसा लग रहा है कि 2019 में हवा बदल सकती है? बिल्कुल, या इस बयान के बहाने रामदेव भी सरकार या बीजेपी से अपनी कोई नाराजगी का इजहार कर रहे हैं? 2014 के चुनाव में रामदेव ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर प्रचार किया था। रामदेव ने ही सबसे पहले मोदी को भारत का भावी प्रधानमंत्री बताया था। रामदेव ने कहा था कि विदेशी बैंकों से काला धन सिर्फ मोदी ही वापस ला सकते हैं। 2017 में बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि प्रदान की थी। रामदेव ने बीते दिनों तेल की कीमतों की महंगाई पर सरकार को नसीहत भी दी थी। सितंबर में रामदेव ने कहा था 2019 में किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। और रामदेव ने कई बार कहा मोदी कठिन परिश्रमी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कल रामदेव ने कहा 2019 में प्रधानमंत्री कौन होगा कहा नहीं जा सकता। रामदेव ने कहा 2019 का चुनाव रोमांचक होने जा रहा है, मैं निर्दलीय हूँ सर्वदलीय हूँ। रामदेव ने कहा मैं न किसी व्यक्ति के पक्ष में हूँ न ही किसी पार्टी के विरोध में।